114 रुपये ट्रैक्टर का इशू। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आधा पैसा तो जो इंसान कमा रहा है वो तो पेट्रोल के अंदर चले जा रहे जी, आधा पेट्रोल में चले जा रहे। 300 रुपये हमारे को कमाई हो रही है एक दिन की, तो 150-200 रुपये तो पेट्रोल के अंदर ही चले जा रहे सर। बच रहा क्या है? 100 रुपये 150 रुपये बच रहे सर, तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे ना। प्लस 15 रुपया आई लाया हाँ, ऍव्हरेज भी कम असते गाडीच्या सगळे आहे ना, ते तर आपल्या महाराष्ट्र सरकारला विचार करावा लागेल याच्याबद्दल। हा हो, आणि सगळं महाग झालेलं आहे, छोट्या लहान वस्तूपासून तर मोठ्यापर्यंत वस्तू महाग झालेल्या आहेत, त्याच्याबद्दल ठाकरेजी जे सरकार आहे त्यांनी विचार करायला पाहिजे या गोष्टीच्या बद्दल। तो कोई चांस ही नहीं है ना सर, डे बाय डे अभी आप देखोगे तो बोलना चाहिए कि पैसा 80 पैसे 70 पैसे 90 पैसे करते 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 5 दिन से लगातार रेट बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट बोलना चाहिए कि 5 रुपये करीब तो बढ़ ही गया है। अगर आप देखोगे इसका इफेक्ट तो बाकी चीज़ों पर भी आता ही है, तो कहने का मतलब यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है, या कैप लाया जाए किसी तरह से अंडर द GST लाया जाए जिससे आम जनता को इसका फ़ायदा मिले। तो ये तो बोलना चाहिए आमजनों के लिए, जो यानी कि बोलना चाहिए गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए काफ़ी नुकसान वाली चीज़ है बोलना चाहिए, वो कैसे मैनेज करेंगे ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर में। एक एवरेज बंदा जो होता है वो तो बोलना चाहिए कि एक आज आम जनता है 100 रुपये का पेट्रोल डालने के लिए निकल जाती है, अगर जो जिसके पास बोलना चाहिए इनकम सोर्सेस कम है वो सोचता है कि अभी कभी 50 रुपये का पेट्रोल डाल दे, अगर इसकी तरीके से अगर कैप लगा दिया जाएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट है सर्वाइव करना फिर।